आज भी मैं कह रहा हूँ, विधायक हमारे हैं तो उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। ईडी सीबीआई अपना काम करे, सरकार अपना काम करे, पार्टी अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, जो ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, उनको गिरफ्तार भी कर लिया है, कुछ दिन पहले अभी गाजीपुर जेल में भी आए थे जो मुख्तार के साले हैं, उनको भी इन वक्त रिहाई के वक्त उठा ले गई, और इन लोग आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता के पक्ष में ये लोग, सत्ता के नशे में ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सीबीआई को तोता बताया था, अभी लोगों के चैनल पे चला था, तो जो सत्ता में रहता है वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आप कठपुतली बन करके किसी निर्दोष आदमी को इस तरह का जेल में बंद नहीं कर सकते। ये सारी चीजें जो देश से छन के बातें आ रही हैं, तो ये साबित करता है कि ईडी और सीबीआई सरकार की सारे पर काम कर। देखिए, ईडी का जो काम चल रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे अब संजय राउत को ले लीजिए, क्या कसूर? कोई कसूर नहीं पेश कर पाए, कोई साक्ष्य ईडी नहीं दे पाई, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके जेल भेज दिया, जेल में बेचारे पड़े रहे, जमानत करा के आए। तो ईडी को अपना साक्ष्य भी तो प्रस्तुत करना चाहिए। बंद करना तो हम बैठे हैं अभी, हमको पकड़ के बंद कर दें, जेल भेज दें, लेकिन जब साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा तो नहीं दे सकते। संजय राउत के साथ हुई है, बहुत लोगों के साथ हुआ है।